गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो अब तक के हमने चैप्टर में कुछ रिलेशंस करी है, वो रिलेशंस देखते हैं कौन कौन सी है। हमने रिलेशन करी है P1V1 = P2V2। कौन सा लॉ था ये? कौन सा लॉ? बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट P1 = P2 / T2। किस लॉ से हमें ये चीज़ मिली थी? गे ल्यूसेक लॉ। नेक्स्ट थर्ड जो रिलेशन है वो कौन सी रिलेशन है? V1 / T1 = V2 / T2। ये कौन सी रिलेशन है? ये है चार्ल्स लॉ। और इन तीनों लॉ को जब हमने एक साथ यूज़ किया तो हमें एक रिलेशन मिली थी, जिस रिलेशन को हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ध्यान रखना, जो आइडियल गैस है और जो परफेक्ट गैस है वो एक ही चीज़ होती है। हम आइडियल गैस बोले या परफेक्ट गैस बोले वो एक ही चीज़ है। तो आइडियल गैस इक्वेशन या परफेक्ट गैस इक्वेशन, जिससे कि रिलेशन क्या मिली, PV = RT। और मैंने आपको बोला था अगर ये 1 kg मास के लिए, और हमें और भी मास ऐड करना हो तो हम मां MRT लिख लेते हैं। ये R कौन सा कांस्टेंट था? ये R था आइडियल गैस कांस्टेंट, या फिर इसी को बोलते थे कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। तो और हमने क्या किया था? और हमने पढ़ा था कुछ रिलेशन हमें मिली थी Q = MCP dT, और इस dT का मतलब होता था T2 - T1, इस फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। मान लेते हैं टेम्परेचर हमारा 30 डिग्री है और वो टेम्परेचर डिक्रीज होकर 20 डिग्री हो गया, तो टेम्परेचर का चेंज कितना है? 30 - 20, उसको हम बोल देते हैं dT, जिसको लिखने का दूसरा तरीका होता है T2 - T1। और यहाँ ये हमारा CP क्या होता है? CP एक कॉन्स्टेंट है। कौन सा कॉन्स्टेंट? स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। और सेम ऐसी एक और रिलेशन हमें मिली थी Q = MCV dT। सेम वही कॉन्स्टेंट है, स्पेसिफिक हीट का ही कॉन्स्टेंट है ये CV, बट कंडीशन क्या होगी? एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ तक हमने किया था। तो रिवीजन का इसलिए कि आज के टॉपिक में हमें ये बहुत सी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा टॉपिक जो बचा हुआ था, वो है रिग्नॉट लॉ। ये रिग्नॉट लॉ में क्या बोला था हमें? उन्होंने बोला था, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ स्पेसिफिक हीट CP एंड CV डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए, हमें पता है कि किसी का प्रेशर या टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी कंडीशन या उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। लाइक अगर हम वाटर का टेम्परेचर बढ़ाएं तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है, वॉल्यूम चेंज हो जाता है उसका, और उसका प्रेशर चेंज हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, उसका एनर्जी चेंज हो जाती है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हो जाती है चेंज। बट रिग्नॉट लॉ ने बोला था कि आप भले ही प्रेशर या टेम्परेचर बढ़ा दो, आपका CP और CV जो वैल्यू होती है वो कभी चेंज नहीं होगी, वो उतनी ही रहेगी। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लेते हैं हमारा CP है 10, तो हमने ये CP 10 किस पे? प्रेशर 1 bar पे, bar इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर। फिर हमने क्या किया? 2 bar किया। फिर हमने क्या किया? 3 bar किया। हमने और प्रेशर बढ़ाया 4 bar। बट होगा क्या कि हम प्रेशर को भले ही चेंज करते रहे, ये जो CP है 10 है, तो 1 पे भी 10 रहेगा, 2 पे भी, 3 पे भी और 4 पे भी, ये 10 चेंज नहीं होगा। सेम चीज़ हमारी CV के लिए है। अगर CV की वैल्यू 10 है तो हमारा जो टेम्परेचर ले लो या प्रेशर ले लो, उसको अगर मैं 10 डिग्री सेल्सियस पे लूँ या 20 डिग्री सेल्सियस पे लूँ या 30 डिग्री सेल्सियस पे लूँ या 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो टेम्परेचर भले ही बढ़ रहा हो बट CP की वैल्यू CV की वैल्यू में यहाँ कोई भी चेंज नहीं आएगा।
और ना ही सी पी के वैल्यू में। यही हमें रिग्नॉर्ड नॉ ने बोला था कि व्हेनेवर देर इज चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, व्हेनेवर देर इज चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, सी पी एंड सी वी डू नॉट चेंजेस, सी पी एंड सी वी डू नॉट चेंज, मतलब सी पी और सी वी कभी चेंज नहीं होगी अगर प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बाकी सब चीज़ चेंज होती है हमेशा, बट ये जो प्रॉपर्टीज है, ये जो कॉन्स्टेंट है सी पी सी वी, ये कभी चेंज नहीं होते। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। तो यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट आपका क्या होता है बताता हूँ आपको। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही एक रिलेशन बताई है, पी वी इक्वल्स टू में एम आर टी, याद होगा। और ये जो रिलेशन है एम, ये क्या है मास, आर क्या है कॉन्स्टेंट, कौन सा कॉन्स्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो उन्होंने बोला यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट अगर हमें एक कॉन्स्टेंट लिखना हो तो वो क्या, उन्होंने बोला कि अगर मैं इस मास और इस आर को एक साथ लिख लूँ, हमें पता है मास कॉन्स्टेंट होता है किसी की बॉडी का भी, वो थोड़ी बढ़ जाएगा या घट जाएगा, उसी तरीके से आर तो हमने बोला कॉन्स्टेंट है, तो ये दोनों चीज़ें क्या है कॉन्स्टेंट है। तो अगर मैं इन दोनों चीज़ों को एक साथ लिखूँ तो मैं उसको लिख सकता हूँ आर और नीचे यू, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। तो क्या बोला मैंने, मैंने ये बोला कि हमारी रिलेशन है पी वी इक्वल्स टू में एम आर टी, जो एम आर हमारा क्या है एक कॉन्स्टेंट, जिस कॉन्स्टेंट को हम रिप्लेस कर सकते हैं आर यू से, जो कि हमारा होता है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। तो यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट क्या है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड कॉन्स्टेंट आर, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड कॉन्स्टेंट आर। और यहाँ देखिए इस आर यू की एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, क्या है 8314.3 जूल पर केजी पर मोल पर केल्विन, ये इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट हमने ये कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन ड्राइव कर ली थी, पी वी इक्वल्स टू एम आर टी, स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट हो गया था। नेक्स्ट हमारी एक डेरिवेशन है सी पी और सी वी के बीच में, एक रिलेशन है, चलिए देखते हैं रिलेशन क्या है। देखिए हमारी एक सी पी सी वी की रिलेशन है, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू में आर होता है हमेशा, सी पी स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट, सी वी स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। और जो हमारा आर है, ये आर हमारा वही कौन सा कॉन्स्टेंट था, कैरेक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट या आइडियल गैस कॉन्स्टेंट। तो ये रिलेशन है, इस रिलेशन का डेरिवेशन एक बार एग्जाम में आया हुआ है, तो मैं आपको डेरिवेशन बताता हूँ। तो मैं जो डेरिवेशन करूँगा वो आप साथ साथ उतारते रहेंगे, आपके लिए ईजी हो जाएगा। चलिए डेरिवेशन से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू मतलब चेंज इन वर्क, मतलब डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन, फाइनल वर्क में से इनिशियल वर्क माइनस करेगा। फिर से बता देता हूँ डी टी, डी टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, मतलब फाइनल टी टू टेम्परेचर में से टी वन टेम्परेचर माइनस कर दिया। मान लिया हमारा एक टेम्परेचर इनिशियली है 20, थोड़ी देर बाद जाके वो हो गया 30, तो जो 30 में से 20 माइनस करूँगा जो 10 है, ये 10 बन जाएगा हमारा डी टी। 30 क्या है टी टू, 20 क्या है टी वन, और टी टू माइनस टी वन किसके इक्वल हो गया हमारा 10 के, जो कि डी टी के इक्वल होता है। सेम किसी चीज़ का अगर मुझे चेंज निकाल लिखना हो तो चेंज को मैं डी टी की फॉर्म में लिखता हूँ, जिसको टी टू माइनस टी वन, या डी वी हो तो वी टू माइनस डी वन लिख सकते हैं। अगर डी वी है तो चेंज इन वॉल्यूम मीन्स वी टू माइनस वी वन। मान लेते हैं इनिशियली वॉल्यूम हमारा 3 है,
फाइनली 5 है, तो कितना आंसर आएगा? 5 माइनस 3 इक्वल्स टू में 2 आंसर आ गया। एक और फिर से बोल देता हूँ, V2 माइनस V1, मान लेते हैं इनिशियली हमारा वॉल्यूम 3 है और बाद में फाइनल में भी 3 आ गया, तो 3 माइनस 3 कितना हो गया? 0 हो जाएगा, तो वहाँ dV की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। तो हम जो रिलेशन यूज़ करेंगे ना, उस रिलेशन में इसका यूज़ होगा। तो सबसे पहला तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे, अगले चैप्टर में सीखोगे, तो मैं जस्ट एक बार डेरिवेशन आपको करवा देता हूँ, और नेक्स्ट चैप्टर जब हमारा कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट चैप्टर में के बाद भी हम यह डेरिवेशन फिर से करेंगे, ठीक है? तो डेरिवेशन में जो मैंने बताया है वो चीज़ें बस ध्यान रखना। अब हम चैप्टर मैं डेरिवेशन करवाता हूँ। ये तो देखिए, हमारी एक रिलेशन होती है, ये रिलेशन फर्स्ट लॉ की रिलेशन है जो आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, बट मैं रिलेशन के बारे में बता देता हूँ। हम वर्क करते हैं, कोई भी काम करते हैं, मान लेते हैं दौड़ रहे हैं, तो हम दौड़ते हैं तो हमारी हीट बॉडी से बाहर निकलती है, तो जो हीट बाहर निकलती है वो किसकी वजह से निकली है? वो निकली है क्योंकि हमने क्या किया है? वर्क किया है। बट क्या हीट बाहर निकलने का रीज़न यही है वर्क? उसके अलावा एक और चीज़ है जो कि होती है यू, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। ध्यान रखना, हमारी बॉडी से जो हीट बाहर निकलती है वो सिर्फ वर्क की वजह से नहीं होती, वो होती है इंटरनल एनर्जी की वजह से भी। वर्क जो काम हम कर रहे हैं, लाइक दौड़ रहे हैं, तो दौड़ना हमारे लिए क्या हो गया? वर्क हो गया। और यू क्या हो गया? यू होता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? जो हमारी बॉडी के अंदर पहले से एनर्जी प्रेजेंट होती है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर एक पॉइंट पे मेंटेन रहता है, जो ह्यूमन के लिए सबके लिए बराबर है। तो वो टेम्परेचर मेंटेन किस वजह से है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर पहले से एनर्जी प्रेजेंट है, और वो एनर्जी किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है? हमारी बॉडी के मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। तो हमारे मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एनर्जी होती है वो एनर्जी हो गई आपकी इंटरनल एनर्जी। जैसे मान लेते हैं हम बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ उठा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर बाद हमारी बॉडी या हाथ कुछ काम करने के बाद कांपने लगते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं, हमें ऐसा महसूस होता है कि बॉडी वाइब्रेट हो रही है। तो वो वाइब्रेशन या जो कांपना, वो किस वजह से होता है? वो होता है हमारी बॉडी जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी आती है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में बाहर निकलती है? वाइब्रेशन की फॉर्म में। तो बस अभी इतना है, बाकी हम ये थर्ड चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में फिर से करेंगे। तो हीट किसकी वजह से निकलती है? वर्क और इंटरनल एनर्जी की वजह से। तो यहाँ एक रिलेशन लिख लेता हूँ मैं, dQ इक्वल्स टू में dW प्लस dU इंटरनल एनर्जी। और जो आपका वर्क होता है, उस वर्क का फॉर्मूला होता है P प्रेशर इंटू वॉल्यूम। तो अगले स्टेप में मैं इस रिलेशन को लिख लेता हूँ, P प्रेशर इंटू वॉल्यूम होता है जो वर्क है, तो उसको मैंने PdV, क्योंकि स्मॉल वर्क लिया है, क्योंकि हर बार मैं dV यूज़ करता हूँ। और ये है dU, ध्यान रखना ये U है, dU, इसे इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो आप साथ साथ पढ़ लीजिए। तो हमें एक रिलेशन है, इस रिलेशन को आगे चलाना हमें, ये जो रिलेशन लिखी हुई है, ठीक है? तो उतार लेना, और आप पॉज करके भी, वीडियो को पॉज करके और फिर उतार सकते हो। नेक्स्ट है, आगे इस रिलेशन को मैं अगर फिर से लिख देता हूँ, जो हीट है dQ वो किसके इक्वल आई? PdV प्लस dU। मान लेते हैं कि हमने लिया कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया? V2 माइनस V1, मतलब V2 और V1 की वैल्यू क्या होगी? बराबर। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब शुरू में वॉल्यूम 3 था, तो फाइनल में भी 3 होगा, जिसकी वजह से V2 माइनस V1 कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि फाइनल और इनिशियल सेम है, तो वॉल्यूम V2 माइनस V1 0 हो गया, जिसकी वजह से dV की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। तो dV अगर 0 हो गया, तो आपको ये चीज़ पता लग रही होगी कि dV 0 होने से ये पार्ट 0 हो गया, तो हमारी क्या रिलेशन मिलेगी? dQ इक्वल्स टू में dU, ठीक है? तो dQ इक्वल्स टू में dU। तो मैं लिख लेता हूँ क्या मिलेगा, dQ इक्वल्स टू में dU।
और हमें पता है क्यू का फॉर्मूला और हमने कौन सा प्रोसेस लिया है, पीछे चेक कर सकते हैं आप एक बार 5 सेकंड पहले की वीडियो को देख सकते हैं, प्रोसेस लिया है कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे फॉर्मूला क्या होगा हीट का, क्यू इक्वल्स टू में सी वी डी टी। तो डी यू किसके इक्वल आ गया, एम सी वी डी टी के। और अगर मास की वैल्यू को अगर मैं 1 ले लूँ तो 1 लेते ही वैल्यू कितनी मिलेगी, सी वी डी टी इक्वल्स टू में डी यू, ये डी यू है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो एक रिलेशन हमें ये मिल गई, ध्यान रखना डी यू इक्वल्स टू सी वी डी टी। नेक्स्ट है, इसके आगे मैं फिर से कर रहा हूँ, ठीक। नेक्स्ट है सेम उसी रिलेशन को फिर से लिख लेते हैं, कौन से रिलेशन, ये डी क्यू इक्वल्स टू में पी डी वी प्लस में डी यू। पीछे हमने लिया था कांस्टेंट वॉल्यूम, इस बार मैं ले रहा हूँ कांस्टेंट प्रेशर। देखो कांस्टेंट प्रेशर है तो P2 माइनस P1 जीरो होगा, बट यहाँ dP और वो तो है ही नहीं कहीं, dP तो है नहीं, तो ज़ीरो होने का मतलब ही नहीं है। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो कांस्टेंट प्रेशर में हीट किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट प्रेशर में हीट इक्वल होगा एम सी पी डी टी के, रिलेशन पता है कांस्टेंट प्रेशर पे। और एम हमने कितना ले लिया पीछे भी, 1 लिया है, तो एम को हटा के क्या यूज़ करेंगे, सी पी डी टी। तो इस सी पी डी टी को किसके जगह यूज़ कर सकता हूँ मैं, डी क्यू के प्लेस पे। ठीक है, तो मैं अगले पेज पे लिखता हूँ। तो रिलेशन हमारी है डी क्यू इक्वल्स टू में पी डी वी प्लस में डी यू। अब इस रिलेशन में हमने यहाँ ले लिया कांस्टेंट प्रेशर था, तो सी पी डी टी इक्वल्स टू में पी डी वी प्लस डी यू है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डी यू की क्या वैल्यू निकाली थी, चेक कर सकते हैं आप, हमने निकाली थी सी वी डी टी। ठीक है, सी वी डी टी। अब क्या करें, हम दोनों तरफ लेफ्ट और राइट हैंड साइड मैं क्या करता हूँ, डी टी से डिवाइड कर देता हूँ दोनों साइड डी टी से डिवाइड कर दिया। जैसे ही मैंने डी टी से डिवाइड किया, यहाँ से डी टी डी टी को कैंसिल कर देगा, ये डी टी डी टी कैंसिल कर देगा, और सी पी यहाँ है और सी वी लेफ्ट राइट से लेफ्ट आएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो वहाँ जाके नेगेटिव। तो रिलेशन हमारी क्या बनेगी देखते हैं, रिलेशन बनेगी सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू में टी डी वी बाय डी टी। ठीक है, ये रिलेशन हमारी फाइनली जाके बनी सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू पी डी वी बाय डी टी। नेक्स्ट आगे क्या है, हमें ये देखना है कि ये किसकी वैल्यू है, ये फॉर्मूला कोई पढ़ा है हमने, देखते हैं। हमें याद है पी वी इक्वल्स टू में एम आर टी, एम अगर 1 ले जाए तो आर टी, और यहाँ से आर किसके इक्वल आया, पी वी बाय टी के। और अगर स्मॉल है तो इसको मैं डी वी और इसको डी टी लिख सकता हूँ, तो आर किसके इक्वल आ गया, आर इक्वल आ गया पी डी वी बाय डी टी के। तो जो पीछे जो हमारा पी डी वी बाय डी टी है उसके प्लेस में हम आर डाल सकते हैं। तो देखते हैं हमारी रिलेशन क्या मिली थी, हमें रिलेशन मिली थी सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू में पी डी वी बाय डी टी। अब इस रिलेशन से सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू में आर लिख लेते हैं, सी पी माइनस सी वी को क्या लिख लिया हमने, आर रिप्लेस कर दिया उससे, और हमें जो रिलेशन चाहिए थी वो रिलेशन मिल गई है फाइनली। तो ये है आपकी डेरिवेशन। ठीक है, आप इस डेरिवेशन को एक बार दो बार देख लीजिए, लास्ट सेशनल
लास्ट टाइम जो थर्ड सेमेस्टर का जो सेशन हुआ था उस सेशन में सेम ये क्वेश्चन पूछा था कि ड्राइव द रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी बी। तो ये रिलेशन आप यहाँ से लिख सकते हैं और जो मैंने नोट करवाई है वो कर सकते हैं। इस रिलेशन को बार बार देखिए और इसको रिवाइज कर लीजिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये रिलेशन, ठीक है। और साथ साथ वीडियो के साथ साथ आप नोट्स भी बनाइए ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, ओके। और यहाँ हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो चैप्टर वन और चैप्टर टू आपके दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए। तो आपके जो भी प्रॉब्लम हो आप वीडियोस को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, ओके। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे लिखिए, मैं आपकी वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। तो आई होप आपको वीडियो के थ्रू समझ में आ रहा होगा कम से कम, ठीक है। तो नोट्स बनाइए और अपने लेक्चर कंप्लीट करिए। आपके दो यूनिट कंप्लीट हो गई है और हम आगे भी अपनी जितना हो सके सिलेबस कोशिश करेंगे धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, ओके।